हेलोस्ट्रेट्स, अब हम लेकर चले ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स। कुछ आपको प्रीवियस वीडियोस भी आपको दिए हुए थे, यूट्यूब पे आप देख सकते हो क्लासेस, उनको रेगुलर देखते रहो। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनको आप देखते रहिए, शायद आप कुछ काम आ जाए। हमने फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आवेश के बारे में आपको बताया। आवेश पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, किसी भी रूप में हो सकता है। पॉइंटेड फॉर्म में आवेश होता है बिंदु के रूप में, बस अगर कोई वस्तु पॉइंटेड है, बहुत छोटे साइज की है, तो उस पर जो भी आवेश होगा उसको कहेंगे बिंदुवत आवेश, पॉइंट चार्ज। आवेश किसी लाइट पर भी हो सकता है, अगर कोई वस्तु लाइट के रूप में है तो उस पर जो आवेश होगा उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज, रेखीय आवेश। आवेश किसी सरफेस पर भी हो सकता है पृष्ठ पर, आवेश किसी वॉल्यूम किसी वस्तु के आयतन में भी हो सकता है। तो यहां पर आज आवेश हमारा किस किस फॉर्म में हो सकता है उनको बात करेंगे, उनकी जो डेंसिटीज होगी, उनको जो घनत्व होगी, उनको लेके चलेंगे। अपने आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आवेश घनत्व हमारा एंड है, आवेश घनत्व चार डेंसिटी। टेंथ क्लास रसायन भी क्या रही है, ये मतलब फिजिक्स। इंग्लिश बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, आपने वहां पढ़ा डेंसिटी घनत्व, कॉमन वर्ड है घनत्व, मास ऑब्जेक्ट में पढ़ा हुआ द्रव्यमान वाली वस्तु में, मासों के यूनिट वाले को एकक आयतन का जो भी द्रव्यमान होता है उसे बोलते हैं घनत्व। लेकिन वो जो घनत्व होता है दैट द मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व होता है। यहां पर बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की। डेंसिटी की बात, आवेश की डेंसिटी की बात कब आएगी, इस बात में जब हमारा आवेश पॉइंट के रूप में नहीं होगा, बेस किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर होगा, किसी ऐसी वस्तु पर होगा जिसका अपना कुछ साइज हो। पहले तो हम आपको ये पॉइंट नोट करा देते हैं, आवेश किस किस फॉर्म में हो सकता है। आवेश हो सकता है बिंदुवत, बिंदु आवेश, इसे बोलते हैं पॉइंट चार्ज। जब आवेश पॉइंट में फॉर्म है, रेखीय आवेश, लीनियर चार्ज। एक एक करके लेके चले थे बाद में, पृष्ठीय आवेश, सरफेस चार्ज, आयतन। आवेश पॉइंट में हो सकता है, आवेश लीनियर हो सकता है, लाइन पर हो सकता है, आवेश किसी सरफेस में हो सकता है, किसी पृष्ठ में हो सकता है, आवेश किसी वॉल्यूम में हो सकता है, किसी भी आयतन में हो सकता है। तो यहां पर हमारे आवेश के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, होते तो पॉजिटिव नेगेटिव ही है, बट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द चार्जेस। पॉइंट चार्ज का कोई नजर नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द पॉइंट, उसका कोई मेजरमेंट नहीं बनता, उसकी कोई डायमेंशनल कोई वैल्यू तो है, चार्ज की वैल्यू तो है,
लेकिन आकार की कोई वैसे भेंट नहीं है क्योंकि पाइथन है। अब एक एक करके हम सबको लेके चलेंगे, एक बार लेके चलेंगे हम रेखीय आवेश, एक बार लेके चलेंगे हम प्रश्न आवेश, और एक बार लेके चलेंगे हम आयतन आवेश, फिर इनके घनत्व को और लेके चलेंगे, उनके फॉर्मूले लिखेंगे। बोर्ड के पेपर में कभी कभी इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है या इनके मात्रा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं रेखीय आवेश और रेखीय आवेश घनत्व। तो गिव द हेडिंग, हमारा हेडिंग ये होगा घनत्व को लेके चलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, घनत्व है और डेंसिटी। कैसे हो सकती है कि आवेश घनत्व कहां पर हो सकता है, जरा सोचो। जब आवेश हमारा किसी वस्तु पर लाइट के फॉर्म जब आवेश किसी रेखा पर समान रूप से वितरित होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम रेखीय आवेश घनत्व की बात दिमाग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये चौक लेके चले, जैसे द चौक, इस चौक पर हम आवेश को समान रूप से वितरित कर दें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जब हम इसकी तो इस आवेश को तो नाम लेंगे लीनियर चार्ज, और इसकी जो डेंसिटी होगी उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में जो भी आवेश होगा, एक यूनिट मेजरमेंट का यूनिट लेंथ में जो भी आवेश होगा वो हो जाएगा एक आवेश। तो एक शॉर्टर डेफिनेशन हो गई, एक आदि बहुत ज्यादा बड़े सेंटेंस लिखे। वैसे तो हमें ये बड़े सेंटेंस लिखने में ये लिखना चाहिए कि जब आवेश किसी रेखा पर वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश को आ जाता है। उसके बाद हमें लिखना चाहिए एक आदि लंबाई वितरित आवेश, यह हमारा क्या रहता है रेखीय आवेश, रेखीय आवेश देखिए आवश्यक। अगर हम शॉर्टर पे देखें चार्ज और यूनिट लेंथ, या चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, शॉर्टर को चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, बस इतनी डेफिनेशन है चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ इज स्मॉलर देन चार्ज। अगर हमारा क्यू आवेश, सपोज करो क्यू आवेश इस एल लंबाई पर वितरित है, तो यूनिट लेंथ में जो आवेश होगा डेंसिटी क्यू अपॉन एल, और जिसको हम देखेंगे लेंथ क्यू अपॉन एल का होगा चार्ज ऑफ द यूनिट लेंथ, चार्ज ऑफ द यूनिट लेंथ जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोली जाएगी उसका सिंबल होता है लैम्डा, तो लैम्डा इसका तो क्यू अपॉन एल। परिभाषा से इक्वेशन से लैम्डा इसका तो क्यू अपॉन एल है, यूनिट जो होगी वो यूनिट हो गई कूलाम, चार्ज की कूलाम हो गई अपॉन डी, तो यूनिट सी अपॉन एल कूलाम अपॉन डी। डायरेक्शन फॉर्मूले लेके चलेंगे तो आवेश का जो डायरेक्शन फॉर्मूला होता है दैट इज ए टू डी, एल पी टू सेकंड्स, लेंथ का हो जाएगा पूर्व में एल, डायरेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पर, डायरेक्शन फॉर्मूला चार्ज का हो गया ए टू डी, लेंथ का हो गया एल, तो इट इज एल माइनस वन ए टू डी रेखीय आवेश घनत्व। तो इट वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट लेके चल रहे हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसको रन कर देते हैं। सरफेस चार्ज की बात करवाएगी
कॉमन बात होगी जब हमारा चार्ज किसी सरफेस पर समान रूप से वितरित रहता है। अच्छा चार्ज समान रूप से वितरित हो चाहे असमान रूप से, दैट इज द सरफेस चार्ज। बस समान रूप से वितरित होगा तो हमारी डेंसिटी को हम डिफाइन करने में हमारी थोड़ी इजी रह जाएगी, समान रूप से वितरित होगा तो हर एक अक्षर पर हमारी डेंसिटी इक्वल होगी, और असमान रूप से वितरित होगा तो जहां पर चार्ज अधिक डेंसर होगा, जहां पर आवेश ज्यादा मात्रा में होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, और दूसरे सेक्शन पर दूसरे हिस्सों पर हमारी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। तो जब हम डेंसिटी की डेफिनेशन लेके चलते हैं तो चार्ज को ये मान के चलते हैं कि दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो समान रूप से बिखरा हुआ है। तो जब आवेश किसी सरफेस में समान रूप से फैला हुआ होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उस आवेश को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश। ये डेफिनेशन तो बहुत शॉर्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक छोटी बात बहुत काम की होती है। डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज द चार्ज ऑफ द यूनिट एरिया, लीजिए चार्ज डेंसिटी थी चार्ज ऑफ द यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज ऑफ द यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठीय आवेश कहलाता है। पृष्ठीय आवेश एकांक क्षेत्रफल पर दिस चार्ज ऑफ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया वहां पर था यूनिट लेंथ, यहां पर यूनिट एरिया, इस कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए आवेश कहलाता है फिगर में रिप्रेजेंट करें, सपोज कर लीजिए सरफेस है, इसका एरिया ए है, इसका क्यू चार्ज समान रूप से दिखा हुआ है, तो यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो क्यू अपॉन ए होगा, जिसको बोलेंगे सिग्मा। पृष्ठीय आवेश तो पृष्ठीय आवेश में सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तब ये सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रेखीय आवेश पृष्ठीय आवेश रखते हैं। यहाँ पर एक ही वैल्यू कितनी होगी तो ये हमारा जो सरफेस होगा उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारा सरफेस एक आयत के फॉर्म में है या स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसका एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई से। सपोज कर लो हमारा चार्ज क्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, अगर हमारा चार्ज क्यू किसी कंडक्टिव गोले पर किसी चार्ज गोले सरफेस पर उसके पृष्ठ पर बिखरा हुआ है, इसकी त्रिज्या आर है, चार्ज क्यू है, तो आपसे इसका पृष्ठीय आवेश का फॉर्मूला लिखिए, तो यू कैन राइट हमारा जो क्यू चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंप्लीट सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस कर्व सरफेस एरिया पर फैला हुआ है, तो डेचुरी इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसको कैसे लिखेंगे? हियर क्या डेंसिटी की बात होगी, हियर जो एरिया होगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू क्यू के पृष्ठ पर क्यू हो गया एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिवर्स। अगर किसी चार गोले की त्रिज्या हमें मालूम है उसमें कितना चार्ज समान रूप से बिखरा हुआ ये पता है, तो उसकी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक रफ तरीके से बता रहे हैं, सपोज करो एक गोला उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, देयर द रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ ए स्फीयर, एट द चार्ज 2 माइक्रो कूलम्ब, 2 माइक्रो कूलम्ब जो समान रूप से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपसे कहा गया कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यूनिट काम से लिख चुके हैं, हम कैलकुलेट चार्ज 2 माइक्रो कूलम्ब एट द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। प्लस क्या निकालना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर,
क्योंकि हमारे जो चार्ज है वो गोले पर उसके सरफेस पर है, तो मैं सरफेस एरिया ले रहा हूँ। एट द सरफेस एरिया इज 4πr2। वैल्यू पुट करें SI में, जो चार्ज को हमारे 2 माइक्रो कूलम में सरफेस कूलम पर कूलम में कन्वर्ट करें, 2 × 10⁻⁶ × 4 × π/4। हमारी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻²² को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके प्लेस पर हो जाएगा × 1 × 10⁻²। हर एक वैल्यू को चार्ज की वैल्यू बुक कर दी, पाइप की वैल्यू बुक की और रेडियस की वैल्यू बुक की, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। इस पूरी को सिंप्लीफाई किया तो हमारा चार्ज डेंसिटी आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कहने का मतलब आज यूनिट जो फॉर्मिंग हुआ करते हैं उससे हम न्यूमेरिकल्स को करने में बहुत आसानी होती है, विदाउट मोशन न्यूमेरिकल करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे के वाटर को देख लेते हैं, वाटर का यूनिट आपको फॉर्म होता है x³/2³/a, क्यू के हिसाब से वाटर यूनिट होगी गणित का पूरा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, पूरा हमारे मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्म में देखें चार्ज का डायमेंशन फॉर्म है 18, मीटर स्क्वायर क्या है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्म है L2, ऊपर लेके जाएंगे L-2 18, इसे डायमेंशन फॉर्म है। और फाइनली लास्ट में अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आकर्षण है, तो हेडिंग डाल देते हैं आयतन आकर्षण। ये आयतन की बात है, इसका मतलब है चार्ज कहां पर होगा, चार्ज विल कंसिस्ट इन द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। जो भी पदार्थ है उसके पूरे आयतन में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से बिखरा हुआ है, तो हमारा एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि हमारी जो अगर डेंसिटी निकालेंगे तो दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो हमारा जो घनत्व होगा वो आयतन आकर्षण घनत्व होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक गोला लेके चलते हैं, ये जो गोला है कंडक्टिंग नहीं है, एक चालक गोला नहीं है, इट इज ए नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये हो गया कि हम इसको जब ये जब चार्ज होगा, जब इसको कंप्लीटली चार्ज होगा, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, जिसमें चार्ज का मोशन नहीं होता, चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। हम कुछ चार्ज को प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन जो चार्ज होगा वो स्टोर हो जाएगा, दैट विल नॉट मूव टुवर्ड द सरफेस, वो पृष्ठ की ओर गति नहीं करेगा। अगर ये कंडक्टिव होता तो उसको हम जो भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं उसके सरफेस पर आ जाता, नॉन कंडक्टिव है तो जो भी चार्ज दिया जाएगा उसको पूरे आयतन में। तो सपोज मान लीजिए एक स्फीयर है, बोला है कि नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस का है, नॉन कंडक्टिव, अच्छा स्फीयर ऑफ रेडियस और जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, जो समान रूप से वितरित है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में, तो इस कंडीशन में हमारी डेंसिटी की डेंसिटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल से डेफिनेशन, चार्ज ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम एक और कहता है जो भी आश्रय होगा सब होते ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला क्या होगा, क्यू चार्ज अगर वी वॉल्यूम, वी द वॉल्यूम हियर डॉट इज सिंपल ऑफ द डेंसिटी, वी का इज सिंपल नहीं है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनिट वॉल्यूम का जो भी चार्ज होगा दैट इज द क्यू, तो क्यू ऑफ वी द सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज द रो, रो से रिप्रेजेंट करेगा, देयरफॉर रो इज इक्वल टू क्यू ऑफ वी।
विद्युत आवेश आयतन आवेश पहले हम इसका यूनिट देख लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर यूनिट तक में फोकस करते हैं। यूनिट क्या होगा? फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट चार्ज पर मीटर कूलम, वॉल्यूम की मीटर में, तो कूलम पर मीटर में इसका पार्ट होगा। डायमेंशन फॉर्मूला लेके चलो, कूलम आईटी एलटी टू सेकंड्स क्वालिफायर के लिए ऊपर लेके जाएंगे एल माइनस थ्री ए टी, इधर हम इसे डायमेंशन अगर इस फॉर्मूले को हम इस गोले में कन्वर्ट करना चाहें, गोले को की रेडियस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले को? फॉर द स्फीयर गोले के लिए जो हमारा वॉल्यूम होगा इट इज 4/3 पाई आर, उसका जो आयतन होता है गोले का वो 4/3 पाई आर होता है। देयरफॉर रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर। वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला। अगेन वही न्यूमेरिकल एक बार फिर रिपीट करते हैं। हमने पहले चार्ज को लिया था, किसी सरफेस पे लिया, गोले के सरफेस पे लिया, अब हम उतने ही चार्ज को 2 माइक्रोकूलम चार्ज को हम एक नॉन कंडक्टिव अचालक गोला है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है उसके आयतन में लेके चल रहे हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम चार्जेस। यह चार्ज क्यू जो हमारा आवेश लिया गया आवश्यक क्यू वो तो 2 माइक्रोकूलम है तो क्यू इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, लेकिन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो माइक्रोकूलम में कूलम में कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻⁶ कूलम, तो क्यू के प्लेस में हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलम। हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर गोले का जो आयतन होगा वो वॉल्यूम होगा वही, तो वी इज इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन, 4/3 पाई की वैल्यू कर देंगे 3.14, आर जो होगा हमारे 1 सेंटीमीटर रेडियस है तो सेंटीमीटर रेडियस को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻², इसका 4 क्यूब कैलकुलेशन कर लेंगे हमारा आंसर है। तो दीज वर द चार डेंसिटीज हमारी डिफरेंट हमने शेप्स ले रखी थी हमारे ऑब्जेक्ट्स थे और वे जो हमारे चार्जेस थे जो आवेश थे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर तीन कंडीशंस में तीन स्थितियों में हमने डेंसिटी को कैलकुलेट किया। अब एक तो बात आपको बताना चाहेंगे, डेंसिटी क्या हर एक चार्ज की डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है या नेगेटिव भी हो सकती है? तो जैसे चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव होने पर हमारी डेंसिटी पॉजिटिव होगी, चार्ज नेगेटिव होने पर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी। बेस जब नेगेटिव चार्ज किसी सरफेस पर होगा, किसी वॉल्यूम पर होगा, किसी लाइन पर होगा तो उसकी डेंसिटी माइनस में होगी, अगर जब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी डेंसिटी पॉजिटिव होगी, तो डेंसिटी प्लस में हो सकती है, डेंसिटी माइनस में हो सकती है। एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन यूनिट्स अलग अलग होंगे। सरफेस के लिए यूनिट जो होती है वो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, लाइन के लिए हमारी डेंसिटी यूनिट होती है कूलम पर मीटर, और वॉल्यूम की डेंसिटी यूनिट होती है वो कूलम पर मीटर। तो दिस नंबर पास अबाउट द चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो लेके चलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, भले ही आपको हमारी आवाज आपके पास तक पहुंचे लेकिन ऑडियो नहीं पहुंचे, वीडियो तो आपके सामने है ही है, एनी वन वीडियो है ऑडियो से आप सुन सकते हो, ये भी तरीका अगर आपको सही नहीं लगे, वैसे तो बेटर है, कोशिश की जा रही है परफेक्टली पूरी तरीके से और अच्छे एफर्ट्स किए जाएंगे, यूट्यूब चैनल से आप खोल के देख सकते हो,
बस आपकी पढ़ाई रेगुलर होनी चाहिए, नोट्स भी बना के रहें। स्पीड अगर फास्ट है हमारी तो बता दें तो स्लो तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आप लिख सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर द टूटिंग।